अभी हाल ही में एक आदमी को जो बैंगलोर में एक कंपनी के अंदर जॉब कर रहा था, उस आदमी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से समन आता है। समन का मतलब है कि उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा और उससे वहां पर जाके पूछताछ होगी। अब आप जानकर हैरान हो जाएंगे उसे किस बात के ऊपर समन आया। उसे इस बात के ऊपर समन आया कि उस आदमी का जर्मनी में एक अकाउंट था जिसमें 22 यूरो पड़े हुए थे। जी हाँ, सिर्फ 22 यूरो। आप कहोगे तो 2000 रुपए भी नहीं होते। तो 2000 रुपए की एक छोटी सी ट्रांजैक्शन के लिए उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से समन आ गया। जी हाँ, बात 22 यूरो की नहीं, बात है फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर की। आज के रेट में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके पास यूएस स्टॉक्स हैं। आज के रेट में बहुत सारे लोग ग्रो यूज कर रहे हैं, ग्रो के थ्रू उन्होंने यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, आईएनडी मनी के थ्रू कर दिया, वेस्टेड के थ्रू कर दिया। आजकल बहुत सारी ऐप्स आ गई है जो आपको अलाउ करती है कि आप यूएस स्टॉक खरीद सकते हैं। हो सकता है आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, आपने एप्पल का शेयर खरीदा और उसे बेच भी दिया, पर अभी भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने खरीदा था और फिर बेच दिया। अगर आपने अपने किसी भी फॉरेन एसेट को डिस्क्लोज नहीं किया तो ये ब्लैक मनी एक्ट के अंदर जाता है, और ब्लैक मनी एक्ट के अंदर एक इंसान के ऊपर 10 लाख रुपए की पेनल्टी या फिर 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये एक एग्जाम्पल है आप लोगों को बताने के लिए कि अभी आपके पास 31 जुलाई तक का टाइम है इनकम टैक्स फाइल करने के लिए। अगर आपके पास किसी भी तरीके से, हो सकता है आप किसी फॉरेन कंपनी के लिए काम कर रहे हो जिन्होंने आपको ईसॉप्स दिए हो, तो ईसॉप्स भी जो है आपके पास एक तरीके से शेयर्स है, ये भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपके पास ईसॉप्स हैं। अगर आपके पास क्रिप्टो में होल्डिंग्स हैं तो वो भी आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। अगर आपके पास यूएस स्टॉक्स हैं तो आपको वो भी डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। ये डिस्क्लोजर्स आपको टाइमली करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। अब ये तो हुआ एक एग्जाम्पल। सो आज इस वीडियो में आपको टोटल 5 ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से लोगों को इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आए हैं। और आप लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो इन एग्जाम्पल्स को बड़े ध्यान से समझिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरे एग्जाम्पल में एक आदमी ने क्या किया, अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको एक फायदा भी मिलता है। वो फायदा क्या होता है कि अगर आप कोई बिजनेस एक्सपेंस करते हैं, मान लीजिए आज आप अपने बिजनेस के लिए एक लैपटॉप यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, या जिस ऑफिस में बैठते हैं उसमें आपने एसी लगा रखा है, सो ये सारे एक्सपेंस, एसी खरीदना, लैपटॉप खरीदना, मोबाइल खरीदना, ये आपके बिजनेस एक्सपेंस में कंसीडर होंगे। अब बिजनेस एक्सपेंस किया है तो अगर आपने इन्हें परचेज किया था तो इस पर जो जीएसटी लगा था वो जीएसटी का आप एक तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। सो आईटीसी बोलते हैं इसे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो टैक्स लगा था वो आपको मिल जाएगा। मिलेगा कैसे, सिंपल सी चीज़ है। मान लीजिए आपको कहीं से कमीशन इनकम आती है, आप कंसल्टेंसी देते हैं, आपको कंसल्टेंसी की इनकम आती है, तो उस इनकम के ऊपर जो सामने वाली कंपनी है आपको एडिशनल जीएसटी देती है। तो आपके पास पैसा जीएसटी का आ गया, अब आपको जीएसटी भरना है। ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास पहले से क्रेडिट कितना है। अगर आपके पास, मान लो आपको 18,000 का जीएसटी भरना था और 18,000 का आपके पास क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो आपको वो भरना नहीं पड़ेगा, वो 18,000 बच जाएंगे। एग्जाम्पल इसको एक और समझते हैं। मान लीजिए आज आप अपने बिजनेस के लिए फोन यूज करते हैं, वो फोन आपने 1,18,000 में खरीदा था, 1,00,000 का फोन था और 18,000 उसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ था, और आपने किसी कंसल्टेंसी के लिए 1,00,000 रुपए किसी क्लाइंट से चार्ज करे, उसने आपको 1,00,000 प्लस जीएसटी 1,18,000 दिया। तो यहां पर क्या होगा, 18,000 आपको जीएसटी भरना था और 18,000 का आपको क्रेडिट मिल गया, तो क्रेडिट क्योंकि मिल गया अब आपको भरना नहीं पड़ता। सिंपल सा लॉजिक है कि आपका टैक्स बच जाता है। अब इंसान ने क्या किया कि उसने अपने जीएसटी नंबर के ऊपर 100 मोबाइल फोन निकलवा लिए। अब 100 मोबाइल फोन निकलवा लिए, इसमें क्या हुआ कि 100 मोबाइल फोन का टैक्स क्रेडिट ले लिया। आज तो उसे टैक्स नहीं भरना पड़ा, उसने अपना पैसा बचा लिया। अब वो जो 100 मोबाइल फोन थे क्या उसने सच में अपने बिजनेस के लिए यूज करे? अब यही सिंपल शक जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ गया और उन्होंने उस आदमी को बुला लिया और उससे सिर्फ एक ही बात बोली कि आपने अपने बिजनेस के लिए 100 मोबाइल फोन लिए थे। वो कहता हाँ जी बिल्कुल लिए थे, उसका उसके पास इनवॉइस भी था। उन्होंने बस एक ही बात बोली कि 100 के 100 मोबाइल फोन दिखा दो। अब उस आदमी ने जो मोबाइल फोन लिए थे, किसी को दे दिया, किसी के लिए लिया, किसी फ्रेंड के लिए लिया, अब वो उसके पास थे तो नहीं, और यहां पे वो आदमी पकड़ा गया क्योंकि वो इतने ज्यादा मोबाइल फोन ले रहा था जो कि बिजनेस यूज के लिए अनरियलिस्टिक है, और वो पकड़ा गया। अगर आज आप किसी को फेवर कर देते हो कि आपके पास एक जीएसटी नंबर है और आप जीएसटी बचा लेंगे या किसी का जीएसटी बच जाएगा, सो ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है और इसकी वजह से भी आपको परेशानी हो सकती है कल को, तो आपको बच के चलना है। अब बात करते हैं तीसरे सिनेरियो की। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे गांव होते हैं जहां पर छोटी छोटी दुकानें खुली होती हैं। वो दुकान वाले साइबर कैफे की तरह काम करते हैं। कई बार वो क्या करते हैं, अपने बैंक अकाउंट में पैसे मंगा लेंगे और किसी को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा या कैश में पैसे ले लेंगे, किसी को यूपीआई कर देंगे। अब ऐसे सिनेरियो में हो क्या रहा आज की डेट में,
बहुत सारे लोगों को जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं इसे समझिए। आपने किसी से 10,000 रुपये लिए अपने खाते में और किसी को 10,000 रुपये दे दिए, आपने कैश में लिया, आपने किसी को ट्रांजेक्शन कर दी। अब आपके खाते के अंदर अगर पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता है कि भैया अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में या सर्विस देना हो गया तो आपको 20,00,000 रुपए की टर्नओवर के ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अब उन लोगों को जीएसटी के बारे में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है। अगर आपका कोई ट्रेडिंग बिजनेस है, आप व्यापार कर रहे हो, तो आपकी लिमिट 40,00,000 रुपए की होती है। अगर आपका टर्नओवर 40,00,000 से ऊपर है सालाना, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। अब उन लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं है। अब होता क्या है भाई, साल में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो गई, भाई 50,00,000 की हो गई या 1,00,000 रुपए की हो गई, 1,00,000 के बाद उनके पास जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा, जीएसटी वाले खुद ही पहुंच जाएंगे और बोलेंगे भैया 1,00,000 का टर्नओवर हो चुका है, आपका एग्जाम्पल के लिए 18,00,000 का जीएसटी बनता है, अब 18,00,000 नहीं देना, प्लस पेनल्टी पे करो उसे। तो पेनल्टी लगा के पे करो। वो इंसान क्या बोलेगा, भाऊ जी मैंने तो सिर्फ 10,000 ट्रांसफर करे थे, मेरे पास आया और मैंने आगे दे दी, मेरा तो कुछ था ही नहीं, मैंने तो 100 रुपए लिए इसके लिए। और वो बोलेंगे नहीं, 100 रुपए से हमें मतलब नहीं है, 18% के हिसाब से एग्जाम्पल के लिए 1,800 का जीएसटी बनता है, 10,000 के ऊपर वो आपको भरना पड़ेगा। तो आप लोग अगर इस तरीके से खुद भी आज की डेट में देखो, बच्चे ना यूपीआई बहुत ज्यादा करने लग गए हैं। अब उन्हें पता नहीं है, उन्हें लगता है कि कैशबैक मिलेगा, बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जो यूपीआई करने पे या पैसे ट्रांसफर करने में कैशबैक देती हैं। अब उस कैशबैक के चक्कर में लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट में पैसे ले लेते हैं, दे देते हैं, और उन्हें यह भी नहीं पता लगता कि साल के अंदर 20,00,000 से ऊपर का अमाउंट हो रहा है, 20,00,000 का अमाउंट क्रॉस हुआ और जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है। तो बेफिजूल में अपनी गर्दन मत फंसाओ। अगर आपको लग रहा है कोई छोटे मोटे कैशबैक से फायदा हो जाएगा, तो आप बड़ा नुकसान जो हो सकता है उसे इग्नोर कर रहे हो। सो इस चीज को ध्यान में आपको रखकर चलना है। कई सारे लोगों को रियल लाइफ एग्जाम्पल बता रहा हूं कि इस तरीके से नोटिस आए और आपको बच के चलना है। इसी तरीके से मैं आपको मोबाइल फोन का एग्जाम्पल दे रहा था। एक आदमी ने 50 AC की बिलिंग कराई अपने जीएसटी नंबर पे। अब ये उसी के साथ एड ऑन है तो मैं अलग से एग्जाम्पल नहीं दे रहा। तो उन्हें जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से समन आया, वो गए और उन्होंने बोला भैया बस मुझे वो देखना है कि आपने 50 AC कौन से ऑफिस में लगा रखे हैं, हमें उस ऑफिस की ठंडी हवा खानी है। तो क्योंकि उस आदमी के पास बस छोटा सा ऑफिस था और उसमें 50 AC नहीं थे, तो वो आदमी पकड़ा गया। इसी तरीके से जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स वाले बहुत ज्यादा नजर रखते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें आप फंस सकते हो। अब आ जाते हैं फोर्थ एग्जांपल पे। फोर्थ एग्जांपल को बड़े ध्यान से समझना, खासकर वो सब लोग जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। आज आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, साल में आपको पता ही लगता कि आप कितने का क्रेडिट कार्ड यूज कर जाते हो। यहां पर दो सिनेरियो हैं, इसी एग्जांपल में बताऊंगा। पहला सिनेरियो, अगर क्रेडिट कार्ड का बिल आप कैश में पे कर रहे हो, तो आप मान के चलना आज नहीं तो कल आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा ही आएगा। बैंक्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जिन लोगों की कैश के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो लोग देखो कैसे होता है, जैसे अपने आप सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराते हो ना, अपने क्रेडिट कार्ड नंबर के अगेंस्ट में भी आप कैश में पेमेंट्स कर सकते हो। अब कई सारे ऐसे लोग हैं जो कैश में पैसा दे देते हैं, भाई पैसे ही तो देना है, भाई 1,00,000 रुपए का बिल था या 2,00,000 का बिल था, हमने कैश में दे दिया। आपने कैश में आज दे दिया, पर वो कैश की जो ट्रांजेक्शन है वो नोट हो चुकी है। अब वो नोट हो चुकी है, आपसे कल को पूछा जाएगा इतना कैश आपके पास कहां से आया, और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, और आप कैश में क्यों पेमेंट कर रहे थे। तो होता क्या, लोगों की आईटीआर बहुत छोटी होती है, आईटीआर है 5,00,000 की, 10,00,000 रुपए की, पर क्रेडिट कार्ड से 50,00,000 की, 60,00,000 की, 1,00,000 की आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उसका हिसाब लोग दे नहीं पाते और वो फंस जाते हैं। सो यहां पर पहला सिनेरियो क्या है कि आप कैश में अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स ना करें। और अगर आपके पास आज 1,00,000 की लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, कई सारे लोग क्या करते हैं, फॉरेन जाते हैं, क्रेडिट कार्ड से बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, उसमें रिचार्ज करा देंगे। मान लीजिए 2,00,000 की एक बार में स्वाइप मारना था और 1,00,000 की लिमिट थी, तो उसमें 1,00,000 रुपये और डाला और लिमिट बढ़ गई। ऐसे सिनेरियो के अंदर भी ये ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले लोगों को पकड़ते हैं। अब होता क्या कि आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट किसने करी, क्यों करी, आपने और ज़्यादा पैसे डाले, क्यों डाले, आपकी 1,00,000 की लिमिट थी, किसने 5,00,000 रुपये डाल दिए कि हम विदेश में स्पेंडिंग करेंगे, सारी की सारी ट्रांजेक्शन का आपको हिसाब देना पड़ेगा और सूद समेत आप पे पेनल्टी भी लगेगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो अब बढ़ते हैं फाइनल एग्जांपल की तरफ। आपने देखा होगा आपके आसपास रियल स्टेट की बहुत सारी डील्स हो रही हैं। तो रियल स्टेट की जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, वो ट्रांजैक्शन के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्डाइज रेट निकाले हुए हैं जिसे सर्कल रेट बोलते हैं। तो हर एरिया के हिसाब से उसकी कैटेगरी होती है और कैटेगरी के हिसाब से सर्कल रेट होता है। वो एरिया टू एरिया, सिटी टू सिटी वैरी करता है। अब इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के हिसाब से एग्जाम्पल के लिए एक एरिया का पर स्क्वायर यार्ड जो रेट है वो 1,00,000 रुपए है, मतलब 1 स्क्वायर यार्ड का 1,00,000 रुपीज का रेट है। अब अगर किसी की भी ट्रांजैक्शन उस सर्कल रेट से कम पे हो जाती है,
तो कम होने पर गवर्नमेंट की तरफ से मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 90% से ज्यादा ऐसे केसेस के अंदर नोटिस जाते ही है कि सर्कल रेट से कम में ट्रांजेक्शन क्यों हुई, इसके क्या रीजन है, क्योंकि जनरली जो मार्केट प्राइस होता है वो सर्कल रेट से ज्यादा होता है। तो अगर सर्कल रेट से ऊपर पे ट्रांजेक्शन हो रही है सो वेल एंड गुड, बट अगर उससे कम में ट्रांजेक्शन हो रही है तो नोटिस जा सकता है। ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्योंकि वो स्टैम्प ड्यूटी बचाते हैं। अगर मान लीजिए कोई 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, अब 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है जब वो बिकती है तो आपने देखा होगा कैश में इंडिया में बहुत डील होती है, तो 5 करोड़ रुपए तो व्हाइट का दिया मतलब बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किया और 5 करोड़ रुपए कैश में पहुंचाया। अब कैश में पहुंचाया भी 10 करोड़ तो पहुंच गए सामने वाली पार्टी की तरफ, बट इसमें जो आदमी खरीद रहा है उसने 5 करोड़ रुपए ही दिखाया कि मैंने 5 करोड़ में जगह खरीदी है, और 5 करोड़ में जगह खरीदी है तो जो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी 7% के हिसाब से लगेगी अगर कोई कॉर्पोरेट है, कोई इंडिविजुअल है। अगर कोई फीमेल है तो 5% के हिसाब से लगेगी, मैं 5% भी पकड़ के चलता हूं तो 5 करोड़ पे 25 लाख रुपए बना, और अगर वो 10 करोड़ होता तो 50 लाख बनता। तो यहां पे देख तो स्टैम्प ड्यूटी का फर्क आ गया। दूसरी चीज, क्योंकि कैश में है, अनअकाउंटेड मनी है, ब्लैक मनी है, तो उस पर टैक्स नहीं दिया हुआ, तो टैक्स की भी चोरी होती है यहां पर, तो टैक्स भी बच गया और स्टैम्प ड्यूटी भी बच गई। इसलिए ज्यादातर जो रियल स्टेट में डील्स होती है वो कैश के अंदर होती है और स्टैम्प ड्यूटी बचाई जाती है। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही कम वाइट के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं, पैसा बहुत कम देते हैं वाइट का, और अगर उन्होंने सर्कल रेट से कम में दिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी सारी चीजें पता है कि भाई अगर बगल वाली चीज 5 करोड़ की 10 करोड़ की बिकी है तो तुमने 2 करोड़ रुपए में वो चीज क्यों बेची, इसका जवाब देना पड़ेगा। इलीगल नहीं है सर्कल रेट से कम में बेचना, बट इसका जवाब देना पड़ सकता है। तो ऐसी ट्रांजेक्शन पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जा सकता है। अब आज इस वीडियो के अंदर हमने 5 अलग अलग सिनेरियो, 5 अलग अलग केसेस आपको बताए हैं, ऐसे केसेस जिसकी वजह से इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जा सकता है। आई होप आज की वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इस इन्फॉर्मेशन को आप और लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को सिंपली शेयर करके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जहां पे भी आप मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, यू कैन शेयर दिस वीडियो। फाइनली अगर आपको इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। बिजनेस रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो फ्री में जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड।